आंसर की एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट हिंदू और मुस्लिम पक्ष को सौंप दी। इसको लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने गुरुवार को एक दावा किया। इस दावे के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दरअसल एएसआई की ज्ञानवापी मस्जिद से पहले वह मंदिर था। विष्णु जैन के इस दावे के बाद सियासी गलियारों में तहलका ही मचा हुआ है। एक तरफ तो इस रिपोर्ट को असदुद्दीन ओवैसी ने एएसआई को और इस रिपोर्ट को हिंदुत्व की दासी कहा और इस रिपोर्ट पर कई सवाल दागे, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद तो बवाल ही कट गया। दरअसल गिरिराज सिंह ने अपनी बात रखते हुए कह दिया कि काशी और मथुरा बचा हुआ है। अब हाल ही में वाराणसी की जिला कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट पक्षकारों को देने का आदेश दिया था। इसके बाद जब इसकी रिपोर्ट सामने आई तो हंगामा हो गया। हिंदू याचिकाकर्ताओं का दावा करने के बाद कि 17वीं सदी की मस्जिद का निर्माण के पहले वहां मंदिर मौजूद था या मंदिर के ऊपर वो निर्माण किया गया, कोर्ट ने सर्वेक्षण का आदेश दिया था। एएसआई ने 18 दिसंबर को सीलबंद लिफाफे में सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला अदालत को सौंपी थी। एएसआई ने 3 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट के 19 दिसंबर के फैसले का हवाला दिया और अदालत से अपनी ज्ञानवापी परिसर सर्वेक्षण रिपोर्ट को कम से कम 4 सप्ताह तक सार्वजनिक नहीं करने का भी आग्रह किया। अब जब यह रिपोर्ट सार्वजनिक हुई तो जिला अदालत के पिछले साल 21 जुलाई के आदेश के बाद एएसआई ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पास बनी ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया और ये निर्धारित किया जा सके सर्वेक्षण के जरिए जिसे मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर पर हुआ है या नहीं, या जो हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर मस्जिद बनाई गई है या नहीं। अब इस पूरे मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह का बयान आया। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, पहले असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया, उसके बाद गिरिराज सिंह ने भी एक बयान दिया। गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद तो कट्टरपंथियों को बुरा लगना आम बात ही थी, लेकिन ये बयान ऐसा है जिसने सियासी गलियारों में भी हवा तेज कर दी। गिरिराज सिंह ने बयान में कहा कि देश के तमाम सनातनियों के लिए अयोध्या में राम भगवान का मंदिर बनना सबसे बड़ी राहत है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कोर्ट के कारण हो सका। भारत का सनातनी जाग गया है, अब मथुरा और काशी बचा हुआ है। मथुरा और काशी दे दें ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। एएसआई ने सारे सबूत दे दिए हैं। आपको बता दें कि इसके पहले असदुद्दीन ओवैसी ने इस रिपोर्ट पर अपने एक्स हैंडल पर सवाल उठाते हुए लिखा था कि यह प्रोफेशनल पुरातत्वविदों या इतिहासकारों के किसी भी समूह के सामने अकादमिक जांच में खड़ा नहीं होगा। रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है और वैज्ञानिक अध्ययन का मजाक उड़ाती है। जैसा कि एक महान विद्वान ने कहा था कि एएसआई हिंदुत्व की दासी है। एएसआई की रिपोर्ट सामने आने के बाद से सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। अब सब इस मामले पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं और तीखे तीखे बयान दे रहे हैं। लेकिन इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।